आइए इसी जनपद के इसी धरती के एक ऐसे होनहार कवि और ऐसे पारंगत कवि जो सभी रसों में सभी विधाओं में अपनी कलम फेरे हैं और हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। भूमिका बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक नाम पंचशील रावत जी से मैं निवेदन करूंगा, मेमोर के आर्टिस्ट है, वो भी मंच पर आ जाए, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया, एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा मेरा चश्मा टूट गया उसे बनवा दीजिए, मगर वो बनवाता नहीं है और कहती है माँ कि बेटा अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा तुमने बनवा दिया होता तो मैं कोई शुभ लगन शुभ मुहूर्त देख सकती थी, मुझे दुनिया देखने का कब शौक था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। जोरदार ताली। तो वो इतने करीब रहते हो, हम इतने पूछा, हम कहे भैया इतने काहे करीब बैठाए रहते हो, कहे लिंदू भाई जब इतने करीब बैठे रहते हैं सवारी पीछे तो अर्थ लेते चलते हैं तो ज्यादा आनंद आता है। हम कहा यार ऐसा अर्थ मत लो, इसी में सब गड़बड़ हो जाता है, वहां पहुंचने के बदले अस्पताल पहुंच जाते हो, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है भाई साहब। तो बड़े बड़े विद्वान है, वैसे हम भी विद्वान आदमी है, हम बताएं या ना बताएं, अच्छा बीच बीच में हम अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों को लगे कि मैं विद्वान आदमी हूं। वैसे लालजी भी विद्वान आदमी हैं और हम भी विद्वान आदमी हैं, लेकिन इनके विद्वान होने और हमारे विद्वान होने में बहुत बड़ा अंतर है। ये उच्च कोट के निम्न स्तरीय विद्वान है और हम निम्न कोट के उच्च स्तरीय विद्वान है, ये अंतर थोड़ा हौसला ताली वाली बजा दीजिए। वैसे में इससे ये होता है कि अभी हम लभुआ में हम लोग आए थे, भाई वेद प्रकाश जी है, ये कह रहे हैं नेता को बहुत कहा गया, प्रधान को कुछ कहा नहीं गया। अरे भाई कहे नहीं कहा गया, हम लोगों को जैसे हास्य वाले, देखिए भाई हम लोग बड़े सीधे साधे से कभी हैं, हम लोगों को बहुत आकाश का कुसुम नहीं चुनना पड़ता है कि हम बालों में जो है क्या काली घटा देखें तो क्या देखें, हम जो देखते हैं वही देखते हैं। अरे मंजर भोपाली थे, वो क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा कि देखते देखते क्या बस्तियां जल गई, कैसे क्या कुर्सियां जल गई और रूप तुमने निहारा क्या गहरे समंदर की सब मछलियां जल गई। हम कहे यार तुहार मासूका रही कि अंतरिक्ष से गिरा सरवा उनका पिंड कि जौन पूरे गहरे समंदर के मछरिये जल गई। अरे होता है ना, अब कोई कहे बिच्चर भाई अब गावे लागे सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, अब घूंघट तो ही नहीं उठाई बे गांव के छान छप्पर थोड़ो के मिलजुल के सब उठाए, तो भाई अब अरे अच्छा ये बंबई वाले हैं हमेशा कंफ्यूज किए रहते हैं, कसम भगवान की कहें चढ़ गई घोड़ी चने के खेत में जोड़ा जोड़ी चने के, उनका पता ही नहीं बा कि चना के पौधा कई अंगूर होते है, वो मन मूस बिलार जोड़ा जोड़ी ना कही जाते मन बतिए छोड़ दे, आधा पागल हैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ के बारे में, उनको पता ही नहीं है सब क्या होना है। तो पढ़ता पंक्तियां सब ऐसे लगा रहता है, हम लोग आनंद के कवि हैं। अब जैसे आप लोग उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, धूमिल सुदामा नाम सुदामा पांडे जो धूमिल थे साहब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सुदामा पांडे की कह रहा हूँ, 23 वर्ष के बीए के कोर्स में है, उन्होंने कहा देखिए मैं कभी क्या वो दृष्टिकोण बता रहा हूँ, जहां आप जिस चीज को नहीं देखते वहां हम लोग देख लेते हैं। जैसे धूमिल ने कहा कि लोहे की कीमत उस लोहार से मत पूछो वो क्या बताएगा, लोहे की कीमत उस लोहार से मत पूछो साहब वो क्या बताएगा, अरे लोहे की कीमत उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम होती है, घोड़े की कीमत उस, मैंने रिक्शे वाले के पांव के घावों को देखकर पूछा जी रिक्शा कैसे चलाते हो, उसने कहा बाबूजी आइए मेरे पांव के घाव पर मत जाइए, मेरे रिक्शे पर बैठिए बताइए कहां चलना है, क्योंकि ये रिक्शा पांव से नहीं पेट से चलता है, रिक्शा पांव से नहीं पेट से चलता है। और आनंद लीजिएगा कविता बात प्रधान की हो रही थी, तो उन्होंने देखिए हम लोग वहीं से खोज लेते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ साज बाज जैसे हारमोनियम टुनटुनिया सरंगी तबला, अब उसमें से आवाज निकलती है, भाई वेद प्रकाश जी जहाँ हो सुने तो टुनटुनियों कहती किन्ने ऐसे कहते ना, अरे साहब आइए बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी खजूर खजूर आते आते बहुत देर कर दी, आइए आइए सही समय पर पहुंचे हैं, गलत समय पे हम ही लोग पहुंचे थे। तो वो क्या कहता है भैया, वो तो देखिए वो कहता है
केन खायो। जब शुरू होत है ये बजना, जब साज बाज मिलाते कहन केन खायो। सरंगी कहेगी मन रेगा, हम लोगों को खोजना नहीं पड़ता, बस खाली देखिए कैसे। सरंगी जब ऐसे कहेगी मन रेगा तो टुनटुनिया कहती केन खायो, केन खायो, केन खायो, कहन प्रधान प्रधान। तब तबलवा कहता है प्रधान, वो अब न समझ पावे तो न समझ पावे, हम कभी है समझ जाएंगे। वो कहेगी मनरेगा मनरेगा, टुनटुनियो कहेगी धन धन धन, कहन किन्न खायो किन्न खायो किन्न खायो, कहन प्रधान खायो प्रधान खायो प्रधान का प्रधान। अब आप नहीं समझ पाए, न समझे भाई, अब उसकी क्या गलती है, वो निर्जीव होके बता रहा कि कौन खाया। अच्छा, दो लोगों को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, एक बुजुर्ग लोगों को एक उसे। अच्छा, एक लड़का मिला हमको विक्टर भाई, बहुत दिन के बाद, उसका बाल जो है वो कटा हुआ था, छुलाया हुआ था। हमने कहा कि बेटा क्या हुआ तुमको, तो कहा हमारी माता जी जो है गुजर गईं। हम कहे कैसे गुजर गईं, तो जो बताया उसने आदरणीय, वो मैं रफू करके आपको बता रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। कि रोई धोई देवता मनाई तो पतोह पाई, कि रोई धोई देवता मनाई तो पतोह पाई, मानसिक तनाव से उभर गई माता जी। जिखरे बेटवा ब्याह ना हो तो भाई कैसे हो जाए, बहुत बड़ा तनाव है लड़कियां ब्याह हो बे युग में। तो रोई धोई देवता मनाई तो पतोह पाई, मानसिक तनाव से उबर गई माता जी। और कुछ दिन सब कुछ चला ठीक ठाक, किंतु ताना मेहमाना पे उतरी गई माता जी। तो पतोह का सुधार गई अपने सुधरी गई, और कचर गई तो खुद कचर गई माता जी। और मान सम्मान सोच झटका दिमाग के लाग, अंतिम सफर पे निखर गई माता जी। तो ये है। अच्छा, फिर एक महीने के बाद मिला, तो कहा कि हम सोचे कि इसको हार्मोन की कमी है, बलवा नहीं जमा था। हमने कहा क्या हुआ, कहा दादा फिर हादसा हो गया। हम कहे अब की क्या हुआ, तो उसने जो बताया मैं बता रहा हूँ कि बढ़ी रुकी पेंशन पाए एन राइड फोन लाए, बढ़ी रुकी पेंशन पाए एन राइड फोन लाए, सीखी सो कपो तीन से टंठ भय बाबू जी। देखिए अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ जिससे लगे विद्वान आदमी हूँ। कि बढ़ी रुक की पेंशन पाए एन राइड फोन लाए, सीख पोता पोतीन से टंठ भय बाऊजी। यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक टिकटॉक सब में कुशल एक्सीलेंट भय बाऊजी। तो अमाचार समाचार जब सब देख चुके, वीडियो से तब अटैचमेंट भय बाऊजी। और सपना का डांस देख जाग मन मारो मांस, सपना का डांस देख जाग मन महारो मांस, परा दौरा दिल कह सुलंठी गए बाबूजी। तो ये अवधेश साहब, कौन सा नियम काम कर रहा है, पैसे पकड़े, अब पकड़ने का भी तरीका बुढ़ाई में बताओगे भाई। हमारे जमाने में पकड़ा उकड़ा नहीं जाता, अभी बता रहा। अच्छा अच्छा, जब आप अपनी पत्नी एक छंद और देखें, हम लोग बहुत पुराने कवि हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डमरू अमरू नहीं बजाते हैं, जो कहेंगे आपको छंद से ही हास्य पैदा करने का प्रयास करते हैं, गद्य बहुत अच्छा। हमको एक कुत्ता मिल गया एक दिन, हमसे कहा कि इंदु जी आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी में जानते हैं क्या अंतर है। हम कहे यार तुम जानवर हो के इतना समझदार कैसे हो गए, तो उसने बताया हमको, कहा इंदु भाई ऐसा है कि हमारी बिरादरी को दो चार सीसी रोज पिलाओ लेकिन वो आदमी नहीं बन सकता, अब आपकी बिरादरी को 100 ग्राम पिला दो सरवा झट से कुत्ता बन जाता है। तो ये अंतर है हमारी आपकी बिरादरी में भाई, क्या करें, जानवर होके जान रहा है। और मैंने वो बताया कि अच्छा आपकी पत्नी जो है, आप उसे कहें कि आप वो सजती नहीं है, समर्थी नहीं है, और इसके बाद आप हिसाब मांगे कि इतना रुपया खर्चा कर दिया, तो उसका जवाब देखिए आदरणीय पत्नी बता रही है कि सजती समर्थी नहीं हूँ यदि ठीक से, तो कुकुर समान आप हमें काट खाते हैं।
कि सजती संवरती नहीं हूँ यदि ठीक से तो कुकुर समान आप हमें काट खाते हैं। और चार पांच 600 फूके आते कुछ घंटे में ही घर से कभी भी जब बाजार हाट जाते हैं तो मिथ्या फिजूल खर्ची का क्यों लगाते रोप। अरे बात 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 पर बात क्यों बढ़ाते हैं। और जितना क्रीम लाली पाउडर लगाती हूँ मैं उसमें से ज्यादातर आप चाट जाते हैं। जितना क्रीम लाली पाउडर लगाती हूँ मैं, अब जवाब है। अच्छा, बाबा तुलसीदास जी ने संबत 1631 में लिख दिया था कि कलयुग की लड़कियों को भूख और बाल ये चीज बहुत सताएगी। जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं और परिणाम क्या होता है कि जैसे ब्यूटी पार्लर से निकरी संवारी साजी चकर मकरता कई लागी जैसे मृग छौनी। और दाएं बाएं आगे पीछे कुकुर सारे डोले लागे। ऐसा होता है कि जब आपकी प्रतिक्रिया आती है ना तो हमको लगता है कि आप सही जगह हम जहां कह रहे हैं वहीं समझ रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो लम्हुआ वाले इतने सटीक हैं कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एकदम मध्य प्रदेश ताकने लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे ये होता है भाई शिव नारायण भारती, ये यही होता है कि आपकी प्रतिक्रिया जब आ जाती है तो हम हम ये समझ जाते हैं कि निशाना सही लग रहा है, हमारा कहीं मिस्टेक नहीं है। तो जैसे ब्यूटी पार्लर से निकरी संवारी साजी चकर मकरता कैला जैसे मृग छौनी। हम सुअर की छौनी भी कह सकते थे लेकिन मृग की छौनी उसकी बड़ी चंचल कला पक्ष है भैया। अच्छा, तो जैसे ब्यूटी पार्लर से निकरी संवारी साजी चकर मकरता कैला जैसे मृग छौनी। और दाएं बाएं आगे पीछे कुकुर सारे डोले लागे। और घूम घूम ताके लागे भौहे बरौनी। सारी सुरदनता यार यही सिमट के रह जाती है, बाकी कहीं दिखता नहीं कुछ। तो कमजोर आंखी वाले मुलमुल मुलमुल का रही लागे। और दिनवा में धैले सोन के रतहुनी। अब बूढ़ा कहीं नहीं अस घोर कल युग आई गावा। लड़के सारे बेच गई हैं खसरा रखे था उन्हें। तो ये व्यंग है। वैसे हम बहुत पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक अच्छा पाकिस्तान को लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। ओ मेरा रुख साया फैलाए पावे या ना फैलाए पावे, ओ जो वाले तिरंगा कराची तक जरूर फहरा दे हैं। भैंस के खूंटा गाड़ पे आवे या ना गाड़ पे आवे, झंडा कराची में जरूर गाड़ दे हैं। अब क्या किया जाए। अब पाकिस्तान हमारे से क्या लेना देना है उससे, ना वो तो अपने देखिए कितना कमजोर देश है, उसकी क्या स्थिति है, समझ रहे हैं। तो ये चार पंक्तियां मैं बड़े दावे के साथ पढ़ रहा हूँ, छोटी कविता है तो लंबी लेकिन काट छांट के पढ़ रहा हूँ कि जितना आंकड़ा मेरे पास है भाई साहब उतना भारत सरकार के पास भी नहीं है। पाकिस्तान को लेकर के उनकी तुलना पढ़ता हूँ कि अपने अपने कर्म के लेखा है आज नाइ तो कल दे बे। अपने अपने कर्म के लेखा है आज नाइ तो कल दे बे। और जब होका इसमें बाहर उठे और खीस निकारे चल दे बे। आतंकवाद की आगी माँ एक तिरिन की नाई जर जा बे। और बौरान कुकुरेश जब भूक बे तो भूक भूक के मर जा बे। अब आनंद लीजिए कि तू जितना वेतन में बांटा था उतना ही कलर के गमन किया थे। भारत सरकार के पास नहीं है आंकड़ा, क्या करें। बताते हैं 7 साल 8 साल से, तब से बता रहे हैं जब से बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, हम तब से इसको पढ़ रहे हैं। तो तू जितना वेतन में बांटा था उतना ही कलर के गमन किया थे। और जितने का मिर्च मसाला खा था उतने का सुरुक चिलम जाते। और साल भरे में जितना राशन देश में तोरे पैदा होते उसे ज्यादा देश के हमारे कोटेदार हजम किया थे। सब क्या तुलना है उनसे यार। और तोरे देश के पुलिस का तो हरदम उल्टी डगर रहा था। अब कितना उद्या सबूत तू है तब वो बाकी कसर रहा था। अरे यार उससे अच्छे तो हमारे यहाँ की पुलिस ठीक है। अरे चाहे मतलब एक दो चार महीने के लिए कई दाम झोंक देगी, बाद में अपना सर सबूत देते रहिए। तो तोहरे देश की पुलिस का तो हरदम उल्टी डगर रहा था। अब कितना उद्या सबूत तू है तब वो बाकी कसर रहा था। हमारे देश की पुलिस का तो हर घटना पे नजर रहा था। कब बैंक लूटे कब शटर खुले पहले से इनका खबर रहा था। अरे भाई कितनी तेज तर्राक है हमारे यहाँ की। और उनका तो हम इतने साल से साबूत, कांग्रेस के जमाने से साबूत दे रहे हैं।
और कि तोहरे देश में जितना रोगी बिना डॉक्टर कहाँ रहते एक आंकड़ा ये भी स्वास्थ्य भी मंत्रालय से देख लीजिए कि तोहरे देश में जितना रोगी बिना डॉक्टर कहाँ रहते उतना हमारे गांव देश में झोला लेके टहरा थे तोहरे देश में जितना रोगी बिना डॉक्टर कहा रहा थे उतना हमारे गांव देश में झोला लेके तहरा थे और छोट मोट बीमारियों में वो टानी टैबलेट ठेल देते हैं और गोड़े में तोहरे दर्द हो मुड़े में सुई ठेल देते हैं। कितने यार एमबीबीएस फेल हैं इनके आगे। तब पढ़ता हूँ पंक्तियां अब इतने बड़े देश में। हाँ अब पांच मिनट तो इसके बाद जो है तो वो क्या कहते हैं इतने बड़े सिर्फ लालू प्रसाद उनके भक्त हैं। वो कहते हैं इस देश में एक ही नेता है लालू प्रसाद। हम कहे उनके आदत ना जानते हम बता दे। पढ़ता हूँ पंक्तियां। तू काका कई फैन है इनके खेला अलबेला होए और जन्नत के सपन दफन होए नरकाउ मा ठेली ठेला होए आपन दल बादल लेके जब ये तोहरे देश पहुंच जाई है कंडी पाथे रावल पिंडी इस्लामाबाद तबेला होए कंडी पाथे। और व्यंग का एक मतलब होता है अनायास ऐसे नहीं होता। अब पंक्तियां पढ़ता हूँ अंतिम से आपसे प्रणाम करता हूँ कि मनई यह रहा मनई जिस तुलसीदास जी ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा तो मनई है रहा मनई जस भाईचारा बना रहे मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला और गुरुद्वारा बना रहे ई जीवन धारा बनी रहे जीवन सबका ही अनमोल है तोहरा रखवारा बना रहे हमारा रखवारा बना रहे तोहरा। बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।